मंदिर में मोहन को बुलाना चाहते हो तो प्रश्ना लाभ क्रोध हिंसा विषाद को दूर बुहार कर बाहर कर दो और संयम क्षमा मैत्री वैराग्य को सुंदर फूलों को अपने मन में सजा लो। उसी क्षण तुम्हारा मन मंदिर जगमगा उठेगा। बहुत कठिन कृष्णा, लोग क्रोध हिंसा विषाद इनको दूर कर दिया तो महात्मा हो गया, वो परमात्मा स्वरूप हो गया। इन्हीं में तो पूरा संसार फंसा हुआ है। अब इनको दूर करने के लिए जब तक शास्त्र स्वाध्याय नहीं होगा, जब तक सत्संग नहीं सुना जाएगा और जब तक आहार पवित्र नहीं होगा। साधु संग हो रहा है, बहुत प्रश्न उत्तर हो रहे हैं, पर अधिकारी नहीं है। अगर आप भजन नहीं करते हैं, आपका आहार शुद्ध नहीं है, आप ब्रह्मचर्य का सेवन नहीं करते, तो आप संतों की वाणी को कैसे अनुकरण कर सकते हैं। आज कल यही हम चर्चा की थी, अब प्रायः क्यों ही क्यों चलता है। भगवान ने सृष्टि बनाई तो क्यों ऐसा किया, क्यों क्यों क्यों, उसका उत्तर तुम्हारा भजन है। तुम कितना भजन करते हो, कितनी साधना करते हो, कितना पवित्र हार, कितना पवित्र आचरण, तब आप उस जो उत्तर मिल रहा है तब उसका अनुमोदन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि तृष्णा लोभ क्रोध हिंसा विषाद को दूर बहाकर संयम क्षमा मैत्री वैराग्य। क्षमा, हमको कोई गाली दे, हमारा अपमान करे, हम उसे क्षमा करें, ये बहुत बड़ी स्थिति होती है। और संपूर्ण चराचर जगत से मैत्री का भाव, करुणा का व्यवहार, लेकिन निर्ममो निरहंकारा, भगवान इसे श्लोक में बोलते हैं, अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च निर्ममो निरहंकारा सम दुखा समाक्षमी। ये बहुत बड़े महात्मा की स्थिति होती है। इसलिए शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग और आहार शुद्ध और निरंतर नाम जपने का अभ्यास और संत और शास्त्र पर दृढ़ विश्वास कि जो कहा जा रहा है वो ऐसा ही है, तभी ये अनुभव होगा। नहीं, ये बहुत कठिन है। हमारी हृदय से प्रार्थना है, भगवान का आश्रय लेकर, भगवान का नाम जप करते हुए, भगवान को कर्म समर्पित किया जाए तो ये स्थिति आ सकती है। और ये स्थिति जब तक नहीं आएगी तब तक जन्म और मरण ये चक्र नहीं रुकने वाला है। इसलिए खूब नाम जप करो। राधा।